कर रहे हैं नहीं कर नहीं करते करने का ये तो आप लोग ऊपर से पता कर लो मैं ऊपर से ऊपर से निर्देश ना दिया जाता ना दिया जाता जियो नहीं वो भी उनका व्यापार है मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज जिस खबर से रूबरू करा रहा हूं, वो शायद दुखद खबर है। दुखद हम इसलिए कह सकते हैं, बिजली विभाग में जो अनुपशहर डिवीज़न कार्यालय पर एक बाबू थे वेद प्रकाश जी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने का कारण जो बताया जा रहा है, जो उनके परिजन बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक कार्यालय से डिवीज़न से अनुप जहांगीरवा से नोटिस जारी हुआ था उनको कुछ बकाया के रूप में, जो उन्होंने जमा नहीं किया था। लेकिन सच्चाइयों की कुछ बातें निकल के आ रही हैं और जांच पुलिस भी कर रही है और विभागीय जांच भी हुई है उसमें कि क्या कारण रहा है, क्या हो रहा है, वो जांच कर रहे हैं। ऐसी साहब से भी हमारी अभी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि हम जांच कर रहे हैं कि क्या कारण रहा था, केवल नोटिस ही था या कुछ और भी कारण था जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि उन्होंने कदम उठाया ये वाकई गलत कदम था। हम गलत कदम इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। ये परिस्थितियाँ तो हम सबके साथ लगी रहती हैं, लेकिन ये जो स्टेप था ये गलत था उनका। हम चाहेंगे कि जो उनके साथ है उनके परिवार को न्याय मिले और जो वो चाहते हैं, परिवार जो चाहता है, उनको कार्यालय से भरपूर मदद मिले। संगठन के भी लोग मौजूद थे, उन्होंने भी ऐसी साहब आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात कही कि जो एक परिवार है उसको एक कार्यालय की तरफ से कुछ जो भी मिलता है, नौकरी हो या संभवतः जो भी सहायता होती है वो उसके लिए की जाए। इसी कारण जो हमारी और संघर्ष समिति के जो यूनियन से आए उनसे बात हुई, ऐसी साहब से बात हो रही है, एक्सिन साहब से बात हो रही है कि किन परिस्थितियां रहीं जो इतना बड़ा कदम उठाया उसने, सुसाइड क्यों की, ये जांच का विषय है। जांच पुलिस भी कर रही है और जांच विभागीय टीम भी कर रही है। वो जानना चाह रही है कि वाकई इतना बड़ा कदम क्यों था, क्योंकि ये जो विभाग है एक प्रेशराइज विभाग है। इसमें हम देखते हैं समय समय पर प्रेशर ज़्यादा रहता है लाइट का, तो हम औरों से भी जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और जो हमारे इस विभाग से जुड़े हुए अन्य विभाग से जुड़े हैं, अगर वो जो विभाग का प्रेशर है उसको झेलें, इतना बड़ा कदम नहीं उठाएं। तो मैं चलता हूं उन लोगों के पास, उन अधिकारियों से पास आपसे रूबरू कराऊंगा, उनसे जानकारी करेंगे क्या कारण रहा जो वेद प्रकाश जो इतना बड़ा कदम उठाया, या विभाग उनकी ओर क्या मदद कर रहा है उनके परिवार की ओर। चलिए मेरे साथ। कि इस टाइम काम का लोड बिल्कुल असहनीय तरीके से बढ़ रहा है और जो हालात हैं वो हालात ये इशारा कर रहे हैं कि ये काम का बोझ और ज्यादा बढ़ेगा, काम का बोझ और ज्यादा बढ़ेगा तो दिमाग में तमाम के में टेंशन होगी। इस टेंशन को अकेले लेकर के मत रहिए, आपस में हिस्सेदारी करिए, एक दूसरे की मदद करिए और जो हालात उन हालात से समझौता करने की जरूरत नहीं है, हालात के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। ये जो संगठन बन रहे हैं ये संगठन लड़ने के लिए बन रहे हैं। आप अपने अध्यक्ष से कहिए, और अध्यक्ष भी लोहे का बना हुआ नहीं है, अध्यक्ष भी काम ही कर रहा है, वो भी टेंशन में जा सकता है, तो उसको भी सहारा दीजिए और सहारा दे करके किसी भी साथी को अकेला मत छोड़िए। अगर वेद ने आत्महत्या किया तो इसलिए किया कि उसने अपना दुख या अपनी परेशानी दूसरे साथियों के साथ शेयर नहीं की। दूसरे साथियों के साथ शेयर करता तो ये नौबत नहीं आती जो नौबत आज आई है। जिस तरीके से आज हम उसके शोक में इकट्ठे हुए हैं, हमको हमेशा इस तरीके से खड़ा होना चाहिए कि कोई भी साथी अपने आप को अकेला महसूस ना करे। यही सचित्र गांधी की बात यह है, हर चीज का समाधान है। समस्या की बात यह है, यूनियन यूनियन समस्याओं के लड़ने के लिए तो बनी है ना, इसीलिए है हम। आप बताइए, यूनियन लिखेगी, पर्सनल लिखने नहीं लिखना चाहते नहीं, तो पर्सनल लिखे? विभागीय कार्य एक चीज है, विभागीय कार्य के अलावा भी आपस में ना कोई फैमिली का प्रॉब्लम है, कोई टेंशन वाली बात है, उसको आपस में डिस्कस करना चाहिए। अगर ये चीज ना चर्चा होने से आधार कोई बात हुआ करे तो आपस में डिस्कस कर लिया करें, अपना मन में रखने से या इस तरह का कदम उठाना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो माहौल जिस तरह आप कहते हैं
तो विभागीय कार्य होना ही है, उसमें इस तरह की चुनौती आती रहेगी। लेकिन इसमें सर अभी अनूप शहर में डिवीज़न पर एक बेतपाल जी बाबू थे कार्यालय में, उनका भी सुसाइड कर ली थी, उस बारे में सर क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुखद घटना है, बहुत अफसोस है हमको। अभी हम लोग वहीं उनके परिवार से मिलके आए हैं और ये अत्यंत दुखद घटना है। और इसके लिए अब कारण तो बाद में तलाशे जाएंगे कि क्या दिक्कत हुई, कहाँ परेशानी हुई और आगे किसी को ना हो किसी टाइप की, वो भी देखेंगे। और ऐसी अब इसके बारे में अभी ज़्यादा हमको जानकारी तो नहीं है, हाँ लेकिन ये घटना घटित हुई है ये ज़रूर जानकारी है। और विभाग की तरफ से क्या उनकी सहायता की? विभाग की तरफ से पूरी सहायता जो उसके यहाँ हम लोगों को जो सर्विस बच्चे को मिलनी है नियमानुसार, वो सर्विस हम लोग अभी मिल के बता आए हैं उनके परिवार को कि आपको नियमानुसार जो सर्विस है आप जल्दी अप्लाई कर दें, हम जल्दी दिलवा देंगे। और जो उनके ड्यूज वगैरह है उनका भी जल्दी भुगतान करा देंगे। परिवार का सबसे पहले मुखिया चला जाता है, वही सबसे पहले, वो तो कोई अब वापस नहीं ला पाता। लेकिन जो और जो यहाँ पे बैठ के हम लोगों को सहायता करनी है वो हम पूरी सहायता करेंगे, उसमें किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ हैं सौरभ कुमार झा जी। सौरभ कुमार जी, बड़े एक बाबू थे अनूप शहर में, वो एक्सपायर हो गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्या कारण रहे थे उसमें? बताया जा रहा है कि ऑफिस में ही करा था, क्या था? नहीं, ऑफिस में नहीं करा उन्होंने, उनकी कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही थी। जो हमारे विभागीय मामला है, विभागीय मामला ये है कि विगत 8-10 दिनों से उनके द्वारा जो राजस्व संग्रह किया जाता था उसका पैसा बैंक में नहीं जमा कराया जा रहा था। तो विभागीय नियमानुसार ही हम लोग उनसे उस चीज़ के लिए उनसे कह रहे थे कि आप अविलंब जमा कर दें, अन्यथा कोई भी विभागीय कार्रवाई हो सकती है। कुछ ना कुछ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वो है, दिक्कतें रही होंगी जिस कारण से वो उसको जमा नहीं कर पाए। अब वो एक जांच का विषय है जैसे आगे चीजें। अच्छा, जैसे परिवार कह रहा था कि एक जो आपकी ऑफिस की तरफ से एक उनको नोटिस जारी किया गया था उसकी वजह से। बिल्कुल नहीं, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है। अगर आप राजस्व संग्रह होता है उसमें तो जो उपभोक्ता होते हैं उनके पैसे जमा होते हैं, उनको अविलंब बैंक में जमा करना होता है। अगर उसमें डिले होता है तो वो तो एक विभागीय रूटीन है। और ऐसा भी नहीं था कि उसमें कुछ उन पर कोई गलत आरोप था, उसमें जो भी था वो प्रैक्टिकल चीजें थी और वो व्यवहारिक थी, जिससे वो भलीभांति परिचित भी थे। उनको दूरभाष के माध्यम से भी सूचित किया जाता रहा था, अन्य माध्यमों से भी उनको ये चीज़ पता था और वो भलीभांति परिचित थे कि उनके स्तर पे ये चीज़ लंबित चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि इस दबाव का नहीं है मंसल, हाँ लेकिन कुछ ना कुछ उनके परिस्थिति, फाइनेंशियल जो वित्तीय परिस्थितियाँ थी वो एक कारण हो सकता है। अभी हम उसमें पूर्ण तरह से तो कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वित्तीय परिस्थितियां जो है हो सकता है ये रीजन हो। अच्छा, जैसे कहा जा रहा था कि ये विभाग की ओर से पहला नोटिस था या उससे बात भी की जा रही थी इस संदर्भ में? नहीं, लगातार एक्चुअली उनका 25 के बाद से कोई भुगतान बैंक में जमा नहीं हुआ था, उस समय से लगातार उनसे दूरभाष पे वार्ता की जा रही थी। इससे पहले 29 तारीख को भी उन्हें एक पत्र के माध्यम से कहा गया था। वही अब ऐसी स्थिति बनी कि वो जमा नहीं करा पा रहे थे बैंक में। अब ये कारण स्पष्ट अभी नहीं है हमारे पास कि आखिर क्यों नहीं करा पा रहे थे, वो पैसा जो वो डेली राजस्व संग्रह कर रहे थे वो पैसा क्यों नहीं जमा हो पा रहा था, इसकी कोई हमारे पास अभी जानकारी नहीं। अच्छा, अब विभाग की ओर से क्या मदद हो सकती है उनकी? विभाग से पूरी मदद की जाएगी। पूरी मदद का मतलब है कि जो उनके नॉमिनी होते हैं, जो विभागीय नियमानुसार जो एक नॉमिनी को रखने का जो एक प्रक्रिया है वो की जाएगी, जो वित्तीय सहायता होती है, जो GPF और जो भी फंड उनको मिलने होते हैं उन सब में जो भी उचित सहयोग होगा वो सारा कुछ किया जाएगा विभागीय स्तर से। मेरे साथ है सुरेंद्र सिंह जो यूनियन के अध्यक्ष हैं और वो बताएंगे कि जो घटना घटित हुई है ये इस बारे में क्या कहना है आपका, सर बताएं। एक्चुअली वो बाबू नहीं थे, वो TG2 थे और TG2 का काम जो होता है वो टेक्निकल काम होता है, परंतु निगम के पास पोजीशन क्या हो रही है कि निगम के पास स्टाफ तो है नहीं, टेक्निकल लोगों को इस काम में लगा दिया जाता है कि आप कैश कलेक्ट करिए। कैश कलेक्शन का उस आदमी को हालांकि बहुत लंबा अनुभव है, पिछले 16-17 साल से वो लगातार कैश पे ही था, अनूपसर टाउन पर करता रहा, दूसरी जगह पे भी उसने कैश का काम किया और कभी इतने लंबे पीरियड में कैश कलेक्शन में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जब उसने कैश जमा ना किया हो। अब पता नहीं कौन से हालात पैदा हुए, उन हालात में वो 24 तारीख के बाद उन्होंने कैश जमा नहीं किया। अब उसके ऊपर लगातार यानी फ़ोन से बात की जा रही थी कि तुम कैश जमा करो, कैश जमा करो। वो ऑफिस में भी आया है शनिवार वाले दिन और ऑफिस में बात करके एक्सचेंज से मिलने के बजाय वो बातचीत करके चला गया है अकाउंटेंट से, और वो बातचीत करके चला गया अपने एक दो साथियों से, और उसके बाद वहाँ जा कर के कैश पर
कोई फोन जाता है या बात होती है या कुछ होता है, पता नहीं, कह नहीं सकते उसको हम, क्योंकि जब तक कंफर्म ना हो तो बेकार की बातें कहना। वो अपने बेटे से ये कह के कि मैं अभी आ रहा हूँ, और वो घर चला आता है, घर आकर के उसने सुसाइड कर लिया। अगर कोई वो सुसाइड नोट छोड़ता तो शायद हम लोगों को भी कोई जानकारी होती, दूसरे साथी भी आधिकारिक तौर पर कर सकते थे कि इस वजह से उसने सुसाइड किया है। वैसे सुसाइड किया जाना, मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए दुखद भी है और हम सब लोगों के लिए सबक भी है। दुखद तो इस मायने में है कि हमारा एक साथी चला गया और उसके बच्चे निराश्रित हो गए, और सबक इस मायने में है कि अब हम लोगों को जो विभागीय नियम है, विभागीय नियम से अलग हट करके हम लोगों को कोई काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे कभी ऐसा हुआ हो यूनियन से उसने अपनी बात शेयर करी हो? नहीं, कभी नहीं की, कभी नहीं की उसने, परिवार के लोगों से शेयर नहीं की, उनसे तो बात छोड़िए, परिवार के लोगों से भी शेयर करता तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा, अब यूनियन क्या चाहती है? यूनियन तो यही चाहेगी कि उसके जो परिवार बिल्कुल निराश्रित हो गया है, परिवार में से जो बच्चा है उसका बच्चा आ जाए, जैसा कि नियम है, नियम का पालन करते हुए मृतक आश्रित को काम में लिया जाने का सवाल है, उसको काम पर रख लिया जाए, और जो उनके बकाए हैं उन बकायों का शीघ्र अति शीघ्र भुगतान हो जाए, और एक्शन साहब और एसी साहब अगर लिखेंगे तो कुछ अनुग्रह राशि वगैरह का कुछ अगर हो जाता है तो अनुग्रह राशि अगर अलग से आ जाएगी तो वो अतिरिक्त भुगतान हो जाएगा। अनुग्रह राशि का एक प्रावधान है शासन आदेश में, वो शासन आदेश की प्रति हम अधिकारियों को उपलब्ध करा देंगे, तो अनुग्रह राशि से अगर कुछ आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसके परिवार को आर्थिक मदद हो जाएगी। अच्छा, जैसा अभी आप कह रहे थे कि काम का लोड रहता है और जो हमारे साथी हैं वो ऐसा कोई कदम ना उठाए, ऐसा क्या कहना संदेश? इसलिए कह रहे हैं हम कि अभी एक साथी और है, इनसे पहले अजय वन, हम लोगों का आंदोलन चल रहा था और आंदोलन की वजह से वो जो पैसा कलेक्ट हो गया था उसको जमा नहीं कर पाया, उस साथी को पैसा ब्याज सहित जमा करना पड़ा है, क्योंकि ब्याज सहित तो इसलिए हो गया कि मैं आंदोलन में था तो उस पैसे के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, ब्याज सहित जमा करना पड़ा है, और उसके बावजूद भी उसके खिलाफ निंदा प्रविष्टि हो गई है। अब निंदा प्रविष्टि हो जाती है तो जब सर्विस बुक लाल दिखती है तो चाहे वो छोटी प्रविष्टि है या बड़ी प्रविष्टि है, जब प्रमोशन वगैरह का टाइम आता है तो प्रमोशन करने वाले अधिकारी जरूर उसको टटोलते हैं कि यार इसकी तो पहले निंदा प्रविष्टि हुई हुई है। हम यूनियन वाले लोग उस निंदा प्रविष्टि को कटवाने के लिए लिखेंगे साहब को, क्योंकि एक प्रोविजन है, उस प्रोविजन के तहत अगर निंदा प्रविष्टि आप कर रहे हैं तो निंदा प्रविष्टि करने की सूचना उस कर्मचारी को दी जानी चाहिए थी कि तुम्हारी निंदा प्रविष्टि की जा रही, और उसका 3 महीने के अंदर उसको अपील करनी है कि मेरी निंदा प्रविष्टि गलत की गई है। वो अपील हम करेंगे और उस निंदा प्रविष्टि को कराने का कटवाने का काम करेंगे।